خانه او رو اشغال کرده. अमेरिका का खुलासा, ईरान ने इसराइल को रौंद डाला। एक अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने लंबी दूरी के घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे दक्षिणी और मध्य इसराइल में मौजूद इसराइल के सैन्य ठिकानों को रौंद डाला। भले ही पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योग गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ दावा करें कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन उनके इन दावों की हवा अमेरिकी मीडिया ने निकाल कर रख दी है। इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजरायल ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबर छापी है जिसने पूरे इजरायल में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजरायल के द टाइम्स ऑफ इजरायल ने ईरानी मिसाइल हमलों को लेकर क्या सच्चाई बताई है। तेल अबीब में मिसाइल सुनामी, तबाह हुए इजरायली अड्डे। द टाइम्स ऑफ इसराइल में दावा किया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भेद दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की लगभग 25 मिसाइलों ने इसराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक ईरान की 20 बैलिस्टिक मिसाइलों ने दक्षिणी इसराइल में नेवातिम एयरबेस पर भारी तबाही मचाई है। नेवातिम एयरबेस से भी इसराइल के F-15 फाइटर जेट्स नसरल्ला को मारने के लिए उड़ान भरी थी, जबकि ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मध्य इसराइल में सैन्य ठिकाने तेल नौफ बेस पर गिरी। वहीं कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिलोत में इसराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिरी हैं। سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود خوف میں اسرائیل خامنه ای کا میسائل ٹریلر 1 اکتوبر کو ایران نے بالسٹک میسائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا ایران نے اس حملے کو آپریشن ٹو پرومیس 2 نام دیا ہے फतह 1 और फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल को हुआ है। इन्हीं मिसाइलों को इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग रोक ही नहीं पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इसराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर इतना जबरदस्त भरोसा कैसे है कि वो अमेरिका, इसराइल, पश्चिमी और यूरोपीय देशों को एक साथ धमका रहा है। जरा यह वीडियो देखिए। यह वो ईरानी मिसाइलें हैं जिनके दम पर इसराइल पर हमला किया गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अली खामनेई ने 10 महीने पहले ही ईरान की एक एक मिसाइल की पूरी जानकारी अपने टॉप कमांडो और जनरलों से लेना शुरू कर दी थी। खामनेई को अंदाजा लग गया था कि गाजा युद्ध पहले लेबनान तक पहुंचेगा और उसके बाद उसकी आग ईरान तक पहुंचेगी।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खामनेई ईरान की घातक मिसाइलों को देखकर काफी जोश में दिख रहे हैं। क्रूज, बलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को खामनेई एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। वीडियो लगभग 10 महीने पहले का है। इस वीडियो में खामनेई को ईरानी सेना के चीफ और टॉप कमांडर ईरान की मिसाइलों के अलावा आत्मघाती ड्रोन के बारे में बता रहे हैं। खामनेई ने 10 महीने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें इसराइल जैसे दुश्मनों पर बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने पड़ सकते हैं और अब ईरान इन्हीं मिसाइलों से इसराइल पर भीषण हमले कर रहा है। अब आप जरा ईरान का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ईरान की ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं, और ईरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले की है। अब तो कुछ और भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इसराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं। מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות. אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. इधर इजरायली भी मान चुके हैं कि ईरान के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले में उसके कुछ एयरबेस को नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायल जोर देकर कह रहा है कि इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट और कामकाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान ने इजरायल पर हमला करने में कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने इसराइल के नेवातिम एयरबेस, हेतेजेरिम एयरबेस और तेल नौफ एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी दावों के मुताबिक उसकी कम से कम 90% बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली अड्डे को निशाना बनाया है। मोसाद हेडक्वार्टर तक ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है। इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों से हमला करके इसराइल को चौंका दिया है। ईरान के हाइपरसोनिक फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान ने इसराइल पर पहले हमला करने के बाद इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसराइल पर हमला करने के लिए 5 तरह की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इसराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल Shahab-3, Shahab-4, इमाद, गदर, खैबर शेकन और खुरम शहर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल Fatah-1 और Fatah-2 का भी इस्तेमाल हुआ है। इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान की IRGC के टॉप कमांडर इसराइल पर मिसाइल हमले के दौरान हमले का लाइव प्रसारण देख रहे थे। ईरान के सीनियर कमांडर फोन पर हमले की एक एक डिटेल पता कर रहे थे। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी भी इसराइल पर होते मिसाइल हमलों को देख रहे हैं। वीडियो के आखिरी में साफ देखा जा सकता है कि इसराइल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर वार रूम में
मौजूद ईरानी कमांडर काफी खुश लग रहे हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान ने 90% से ज्यादा मिसाइलों से इसराइल में अपने टारगेट को भेद दिया है। تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیر ساختای اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. مردم اونها مورد هدف قرار نگرفتن در حالی که این کار کاملا امکان پذیر بود. एक अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले से पूरे इसराइल में अभी तक कोहराम मचा हुआ है। ईरान, लेबनान और इराक से जबरदस्त जश्न की तस्वीरें अभी तक आ रही हैं। ईरानी और लेबनानी मिसाइल हमले को लेकर बेहद खुश हैं। अब देखना होगा कि इसराइल ईरान से मिसाइल हमलों का बदला कैसे लेता है।